dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number two and four, and our topic of discussion is the right decision. Decision कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमें उस decision की तरफ जाना है, which is appropriate, which is right, which is optimum, and which gives us what we are intending to get. इस मकसद के लिए हमें decision making process को बड़ा डिटेल में comprehend वो करना होगा, और उसको comprehend करने के लिए याद रखिएगा New new कहालियां रूनुमा वो हो रही हैं अब उन कंटेजेंसी प्रस्पेक्टिव के अंदर उन व्लान के अंदर देर सो मेनी कंडीशन एंड कंसेंट ऑफ नीड टू नीड टू फोकस अपॉन याद रखिएगा हर एक प्रॉब्लम जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है इट इज गोइंग टू बी अक वन हम माजी के किसी प्रॉब्लम की डेफिनेशन को हाल के ऊपर इंप्लीमेंट वो नहीं कर सकते एज पीटर इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस इज नॉट द टर्ट इट क्या होगा ग्रेटेस्ट डेंजर ये होगा कि हम येस्टरडे लॉजिक को टुडे के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश वो करें याद रखें कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन इसका तकाजा यह है कि हम हर प्रॉब्लम को यूनिकली एड्रेस करें अब प्रॉब्लम को यूनिकली एड्रेस करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली कंपनी भी करें उस प्रॉब्लम के कंटीजेंसी प्रस्पेक्टिव को भी देखें उस प्रॉब्लम के साथ जितने भी एसोसिएटेड इफ्स एंड बट्स हैं हम उसको वैल्यूएट करें उसके प्रोजेन्ड कॉर्नस को देखें कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स को देखें बिकॉज इन तमाम चीज़ों को देखे बगैर एक प्रॉब्लम अपनी डेफिनेशन में पूरी वो नहीं हो पाती और हमारे लिए ज़रूरी ये होगा कि हम एक प्रॉब्लम को राइट right वे में एलैबोरेट वो करें और राइट right वे में लेबोरेट करने का एक तरीका यह है कि हम हर प्रॉब्लम को यूनिकली पिक करें हम यस्टरडे से सबक जरूर हासिल कर सकते हैं हम लर्निंग जरूर डेवलप कर सकते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम को जो आज आपके सामने रूनुमा हो रही है उसको आज के हवाले से देखना वो बहुत जरूरी होगा इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग के दौरान देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फोर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज के बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कंडीशन क्या हैं उन एंड में हमें यह देखना होगा कि वो कौन कौन से ट्रेड ऑफ्स हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं वो कौन कौन से पैकेज प्लान हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं और उन पैकेज प्लान के मुताबिक ही ऑब्वियसली हमें डील वो करना होगा द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू लुक एट द राइट ट्रेड ऑफ और राइट ट्रेड ऑफ से मुराद यह है कि जो हमें ऑप्टिमम आउटकम्स दे सके जिसमें कि रिस्क एक्सपोजर हमारा रिलेटिवली कम हो जिसमें कि हमारे आउटकम्स जनरली ज्यादा हों सो राइट ट्रेड ऑफ को कोई करने के लिए याद रखिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी लॉस इन तमाम है हमें यह देखना है कि हमारा सही फैसला वो कौन सा होगा बिकॉज बहुत से फैसले ऑब्वियसली प्रॉब्लम को एड्रेस तो कर सकते हैं लेकिन उनमें से विच वन इज गोइंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम दैट इज द थिंग वी हैव टू फोकस अपॉन और ऑब्वियसली उसमें हो सकता है कि हमें कुछ

तो कर सकते हैं प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो वी हैव टू सी हम रिस्क को टैकल कैसे करेंगे बहुत से अनफोर्सिन इवेंट्स डिसीजन मेकिंग के दौरान हो जाते हैं so उन तमाम अनफोरसीन इवेंट्स को हम टेकल कैसे करेंगे रिस्क को मिनिमाइज वो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम एंड द रिस्क दे गो साइड बाय साइड सो हमें दोनों के बारे में कॉन्शियस रहना है केयरफुल रहना है और कोशिश करनी है कि जहां तक मुमकिन हो सके हम उनको अप्रोप्रिएटली एलेबोरेट वो करें थैंक यू